सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग मंजू देवी पुतला आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक शानदार ब्लॉग में। दोस्तों दिन की शुरुआत तो मेरी सुबह से होगी लेकिन ब्लॉग की शुरुआत हो रही मेरे खूबसूरत नगरी मुंबई से। आ गए हम गांव से अपनी मुंबई नगरी में। तो अभी नाश्ता नुश्ता करके हुआ उसके बाद गई थी मैं अभी तक गैस को मतलब गैस भराने के लिए गई थी सिलेंडर लेके, तो उसको भरा के लेके आ गई हूँ और अब जा रही हूँ मैं। अभी मेरे को जाना है, जाना क्या, मैं जा रही हूँ अभी पनीर लेने के लिए जो जिसके लिए पनीर से कल भी क्योंकि वो जिम जा रहा था वो अभी डाइट में है तो कल तो लेके आई नहीं। अभी मैंने बोला 12 ही बार में दोपहर को बहुत भूख हो रही है। अभी नाश्ता किया, आधा कपड़े धोए, आधा कपड़े वैसे पड़े हैं तो मैंने बोला जब तक धूप होती तब तक बाहर का सामान लेके मैं आ जाती हूँ। तो एक काम हो गया, दूसरा काम करने जा रही हूँ, उसके बाद जाना है मेरे को फिर प्रवेश की ड्रेस सिलने के लिए देना है। कल पैंट का नाप दिया, उसने बोला कि शर्ट भी चाहिए, शर्ट पहन के आना है। तो कल मैंने इसका शर्ट धोया था तो आज फिर इसको शर्ट पहना के फिर उधर जाना है, शर्ट लेके प्रवेश को शर्ट पहना के टेलर के पास लेके जाना है, उसका नाप लेगा वो, तब बस ड्रेस सिलने के लिए देना है। काम ही काम, उसके बाद जाना मेरे को भाजी लेने, वहाँ से आएगी मैं तब कपड़े धोना है, भाजी साफ करना है, उसके बाद तब दूसरा का काम। अभी हम आ गए हैं नीलकंठ के पीछे, मैं और प्रवेश जा रहे हैं, पहले ही इधर जाती हूँ। तो बाहर से बाज़ार से आने के बाद मैं घर में कपड़े उपड़े धोए क्योंकि मैं बोल रही थी सुबह मैंने आधे कपड़े धोए थे, तो अभी तक कपड़े उपड़े धोए, कपड़े सुखाने डाले। आगे मैं अपने प्यारे से किचन बनाती हूँ खाना दोपहर का, क्योंकि प्रवेश को ट्यूशन भी जाना है। तो वह फिर उसने एक बार नाश्ता याद किया, एक बार बाहर इडली वगैरह खा लिया, तो दोपहर का वो अभी खाएगा नहीं, जब क्लासेस से आएगा 4 बजे 5 बजे तभी खाएगा। तो देखते हूँ जितना टाइम लेगा क्योंकि पौनी एक होने वाला है, क्या करो मैं दौड़ भाग बहुत होगी, हाँ वैसे पेंडिंग पड़ा था, चलो हो रहा था इसका से दौड़ भाग उन्होंने घर का बाहर का घर का बाहर का, चलो हो गया। अभी आगे किचन में खाना बनाती हूँ, तो बने रहे आप मेरे वीडियो में कंटिन्यू। गर्मी से इधर मुंबई में भी हाल है बहुत बुरा हाल है, हालत ख़राब होगी बहुत ज़्यादा, पंखा लगा रही, पंखा भी इतनी गर्म हवा छू रहा, बाहर से हीट इतनी आ रही, बोलते तूफान आ रहा तूफान आ रहा, बारिश आ रही, किधर है पिछले साल था अब तो 2-3 बार की बारिश आ रही थी, अभी आज 21 तारीख हो गई लेकिन अभी तक बारिश का नामो निशान है। लोग गर्मी से परेशान है, बाहर चमचमाती धूप लगी और गर्मी क्या बोले आप, बाहर का मौसम दिखाती हूँ मैं आप बाहर का मौसम कैसा, आँखें बंद हो रही, खुला करके तो कैसे जाना, गाड़ी में भी जाएंगे तो इतनी हीट लग रही क्या करें। बाहर का मौसम ये खिड़की से दिखा रही हूँ, ये झाड़ ये मैंने तो खिड़की में लगाए पौधे, लेकिन ये देखिए आगे से आपको बिल्डिंग नज़र आएगी क्योंकि मेरे सामने वाली बिल्डिंग है हमारी, तो बस यहाँ से इतना ही दिखा सकती है, लेकिन बहुत धूप लगी, हालत ख़राब है पर हरियाली छाई है। इधर मैं भात रख दिया, ये भाजिया और इधर मैंने दाल बॉईल कर दिया, तो ये मैंने भाजी रख दी चूल्हे में, यह है मेथी और थोड़ा सा इसमें पालक है, तो इसको मैंने पहले मसाला बनाया और इसमें इसको डाल दिया मेथी को, पहले मैं इसको अच्छे से। चलो मैं और प्रवेश जा रहे हैं, प्रवेश को ड्रेस सिलाने के लिए देने जा रहे हैं क्योंकि इसके पास एक ही ड्रेस है 3 साल की, तो मैंने बोला एक और ड्रेस दे देते हैं, चलते हैं ड्रेस लेने। चलो आप भी चलो हमारे साथ। तो हमने ड्रेस ले लिया, ड्रेस है हमारी थैली में, अब जा रहे हैं हम यहाँ से टेलर के पास मैं और प्रवेश, क्योंकि सिला हुआ उधर भी नहीं मिला इसके नाम का, तो हम कपड़े लेके आ गए इधर से भी हमें इधर मिल जाएगा। लेकिन पीट ड्रेस का पैजामा पूछा तो 44 साइज दिया उसने, ऐसे लग रहा वो पैजामा जैसे मतलब 34-32 का होगा, इतना मतलब क्या इतना क्लोज, मैं क्या करना, मैंने इसका खाली नंबर डाला है बड़ा, जाने दे नहीं लिया, खाली पैसे क्यों बर्बाद कर। हम लोग मैंने भाजी ले ली, धनिया लिया, मेथी ली, खा जाती हूँ मैं दूध लेने के, क्योंकि दूध ने सुबह नहीं लेके आई तभी जा रही हूँ दूध लेने के लिए। मैं और प्रवेश आए बाहर फिर से, क्योंकि प्रवेश और किसी का बैग चने जो है ख़राब हो रखी है, तो मैंने इधर पीछे दुकान में प्रवेश का और किसी का बैग दिया सिलने के लिए। मैं और प्रवेश यहाँ पर फुटपाथ पर बैठे हैं कि मैं थक गई सुबह से, बाहर अंदर भाग भाग के मेरी हालत ख़राब हो गई है, और प्रवेश मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ में आया है। अभी तक प्रवेश की साइकिल ठीक करने के लिए गए थे हम, उसका ब्रेक ढीला हुआ था तो
साइकिल ठीक करके आ गए। तो ये प्रवेश की साइकिल है, तो ये अभी तक साइकिल की दुकान में लेके गए थे इसको, और यहाँ से इसको ठीक करा के लेके आ गए हैं। उसके बाद प्रवेश किया घर पे, अब आया घर पे से मेरे साथ यहाँ पे, देखते हैं कितना टाइम लगता है इधर। तो मैं आपको यहाँ का बाहर का भी दिखा दूँ कैसी ट्रैफिक लगी है। ये है मुंबई, ये देखो अभी लोग ड्यूटी से आ रहे हैं, तो ये देखो धक्का धक इतनी गाड़ियाँ, इतनी पब्लिक। दिन भर तो बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन शाम के टाइम पर थोड़ा धूप हल्की हो जाती है। अभी सूर्यास्त हो गया है तो लोग बाहर निकल गए मेंढक की तरह, कोई भाजी लेने के सामान लेने के लिए। अभी थोड़ा छाँव भी है, थोड़ा शाम के टाइम पे हवा चलने लगती है तो लोग बाहर टहलने के लिए भी निकलते हैं। वैसे हम भी निकले थे, ये हमारी गाड़ी, हमने यहाँ गाड़ी पार करी है, बस हम यहाँ पे थोड़ा बैठे हैं। पूरे चेहरे में आज ऐसे लगी है थकान, इतनी थकान लगी मुझे, क्योंकि कल जब से मैं गांव से आई तब से मैं बाहर अंदर भागने के लिए ऊपर बच्चों की भूखें पूरी नहीं आई थी, बैग में से पड़े थे बैग, किसी की चैन टूटी, कैसी भी कुछ शूज लेने थे वो लें, ड्रेस लेने था, अभी बुक लेने कुछ बुक लाए, कुछ आधी लेके रखी दिन आधी, दिमाग खराब हो गया, बच्चों को भेजना छोड़ना। आज तो दिन भर मैंने आराम भी नहीं किया, अब भी आ रही हूँ घर पे, फिर इनको बैग वो सिला के लाए, अब आए घर में। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, ढेर सारा प्यार देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।